आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश में जनपद को दूसरा स्थान मिला है। जनपद में करीब 5,30,000 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जन आयोग अभियान के द्वारा 5 जुलाई से 20 जुलाई तक एक पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन सके। जिसके संबंध में आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि लगातार कैंप के माध्यम एवं अथक प्रयासों से आयुष्मान कार्ड बनाने में जनपद दूसरे स्थान पर आया है, लेकिन 20 लाख आयुष्मान लाभार्थियों के सापेक्ष अभी तक 5,30,000 आयुष्मान कार्ड बना पाए हैं। इसी को देखते हुए एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के दौरान कोशिश रहेगी कि 100% लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए तथा क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता और कोटेदार को भी निर्देशित किया गया है कि आयुष्मान पात्र लाभार्थियों को कार्ड बनवाने में मदद करें। आयुष्मान कार्ड होने से हर लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा आकस्मिक परिस्थितियों में मिल सकेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा, इस बारे में मुझे ये कहना है कि बड़ी खुशी की बात है कि अथक प्रयासों से और लगातार कैंप के आयोजन के कारण से हमारे जनपद में आयुष्मान कार्ड की संख्या के मामले में हम लोग प्रदेश में दूसरे स्थान पे हैं। परंतु अभी हमें बहुत प्रयास करने हैं। अभी 20 लाख की आयुष्मान लाभार्थियों के सापेक्ष हम 5,30,000 कार्ड ही बना पाए हैं, तो इसके लिए सतत प्रयास हम लोगों के स्तर से किया जा रहा है। और हमारे प्रदेश के हमारे जनपद के जो लाभार्थी हैं जो इस योजना के तहत अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, जिनकी सूची में नाम है, जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उन सबसे हम अपील भी करना चाहेंगे कि वो आगे बढ़ कर के अपने नज़दीकी शहर जनसेवा केंद्र से, जन सुविधा केंद्र से या अपने ब्लॉक के अस्पताल, सरकारी अस्पताल से जा कर के ये कार्ड बनवा सकते हैं जिनके कार्ड नहीं बने हैं। हमारे जनपद में 5 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक एक अंत्योदय आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सारे सहज जन सेवा केंद्र, जन सुविधा केंद्रों पे और ब्लॉकों पे, ब्लॉक में जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे आरोग्य मित्र होते हैं, उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। और ख़ास करके अंत्योदय कार्ड धारक जो लोग हैं उनके लिए ये विशेष रूप से पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। तो कृपया इस पखवाड़े का लाभ उठाएं और जितने भी जनपद में अंत्योदय कार्ड धारक हैं वो सबसे मैं प्रार्थना करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि वो लोग इस पखवाड़े के अंतर्गत अपने आयुष्मान कार्ड बनवा लें।